गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज है दशहरा, तो दशहरा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ट्रैक्टर जा रहा है बाहर से, तो इसको निकलने देते वरना आवाज नहीं आएगी। हाँ, तो कल का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, मतलब जो परसों का ब्लॉग था, जो परसों मारा था, तो वो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना हमें कमेंट करके, और मेरा लुक कैसा लगा वो ज़रूर बताना, क्योंकि पहली बार शायद आप लोगों ने मुझे साड़ी में ब्लॉग में देखा होगा। और चलो सबसे पहले अब मैं आपको मिलाती हूँ बच्चों से। अभी टाइम हो रहा है 11:15, आज मैं 11:15 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले मैं उठ चुकी हूँ, सारे काम भी कर चुकी हूँ, घर की सफाई, जिम जाके आ चुकी हूँ, और सम्राट शमशेरा आराम से घूम के भी आ गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला लाओ इनको मैं पार्क में घुमाता हूँ, तो उनके साथ खूब मस्ती करके आ गए, घूम के आ गए। जो शिंदू है उनके पापा, उन्होंने बहुत घुमाया, और अब ये दोनों के दोनों थक गए हैं तो आराम कर रहे हैं। ये बैठे हैं हमारे चमाट महाराज। पैरों में क्यों बैठा रहता है ये सम्राट? कह रहा है माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, आपको क्या पता मम्मी। और ये देखो कैसे फैला है, ये बिग बॉय हमारा, बिग बॉय। ओए बिग बॉय, क्या तू तो अपनी ये नाक को धूप लगा रहा है? क्या नाक गीली हो गई तेरी, इसलिए नाक को धूप लगा रहा है ना? देखो सिर्फ नाक रखी हुई है, जहाँ पे धूप आई हुई है वहां पे नाक रखी हुई है, बाकी पूरा पीछे। गर्मी नहीं लग रही तेरे को धूप में? मैं समझे रू, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, देखो कैसे फैला पड़ा है, थक गए हैं शायद ये, इतना भी नहीं घूमे थे जितना ये थका हुआ दिखा रहा है। निन्नू निन्नू आलसी बच्चा है हमारा, और ये दूसरा आलसी बच्चा। गाइस यहाँ पे इसलिए बैठा था क्योंकि मैंने बनाया था ऑमलेट, मैं ऑमलेट खा रही थी, तो इसको लगा कि मम्मा मुझे भी देगी खाने के लिए, तो जब भी कुछ खाने का मैं लेके यहाँ पे बैठती हूँ तो मेरे पैरों के पास बैठ जाता है, कि कुछ ना कुछ खाते हुए अगर नीचे गिर गया तो टपाक से मैं खा जाऊंगा, लेकिन इसको कुछ मिला नहीं। आजकल ऐसे ही बैठा रहता है, ऐसे ही सोफे पर बैठेगा, वहां पे सर रख लेगा, वहीं सो जाता है, वहीं बैठा रहता है, वहां से फिर बाहर देखता रहता है। पता नहीं क्या नई स्टाइल, देखो चेहरा देखो कूचू बच्चे का। निन्नू भी आ रहा है, निन्नू भी हो रहा है, लेकिन वहीं छोना है। हाँ छो जाओ छो जाओ, यही आजकल ही सीखा है ये। कितना क्यूट लग रहा है ऐसे सोते हुए, हाथ देखो अभी। ओ पूछिए वो बच्चा, उन्हों को लेके आई थी बाहर सुसु कराने, इस सम्राट को वहां पे रास्ते में मिल गया था गिरा हुआ, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या यार, सिंगाड़ा, एक सिंगाड़ा नीचे गिरा हुआ था, ये लेके आया, और उसको खाने के चक्कर में इस लड़के ने वो जितने बैरियर्स वहां पे रखे हैं वो सब गिरा दिए, क्योंकि वो इसके मुंह से गिर गया था तो इसने वो सब गिरा दिए। अभी उठा के आए, फिर उठा रहा है गिरी हुई चीजें, गिरा हुआ बंदा। चल कोयला खाएगा क्या अब? कुछ भी खा लूंगा मम्मा, बस खाने वाली चीज होनी चाहिए, मिले तो सही, सब खा जाऊंगा मैं, है ना शमशेरा? खींचो नहीं यार भाई, देखो गिरी हुई हर चीज खानी है इन गिरे हुए लड़कों ने जी। चलो सब चट कर जाओ। हाय मेरा हाथ, देख वो सुसु कर रहा है, ये इधर खींच रहा है। गाइस यहाँ आप लोगों को जितनी भी ये हरियाली दिख रही है ना, ये सिर्फ सम्राट और शमशेरा की बदौलत, क्योंकि देखो कैसे अपना काम पूरा करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, सारे पौधों में पानी दे दे के। गंदे बच्चे सम्राट तो हर गमले में सुसु करके आता है, कोई भी गमला नहीं छोड़ता, छूटना नहीं चाहिए भाई, सब में पानी देना है, अगर सूख गए तो धूप से फिर क्या होगा। धीरे चलो, धीरे धीरे धीरे, खींचो मत मुझे। अब यहाँ भी तो पानी देना बनता है ना, इधर भी तो हरी हरी घास उग रही है थोड़ी थोड़ी, तो इधर भी पानी दे लेते हैं भाई, ये घास भी उग जाएगी, मुरझाएगी नहीं, है ना। घर में ना एक पता नहीं मकड़ी जैसा दिखने वाला कुछ, मकड़ी उड़ती नहीं है, वो आ गया है, और ये देखो इस लड़के ने ना देखा हुआ है। शमशेरा शमशेरा बाहर नहीं, बाहर नहीं, गेट के बाहर कोई नहीं है, अंदर आओ। शमशेरा को लग रहा है गेट के बाहर, ये सम्राट बालकनी से भागते हुए सीधे टेबल पे चढ़ा और इसने ऊपर देखा, मैंने कहा ये क्या हुआ, तब पता चला कि भाई वो मकड़ी ऊपर आपको दिख रही है वहां पे, वो देखो सम्राट, वो देख वो देख वो,
बाहर कोई नहीं है, देखो ऊपर सम्राट को, देखो कैसे देख रहा है। ये रहा, इन दोनों ने खाना खा लिया है और बाहर से आ गए हैं। और आज चल रहा है इंडिया और बांग्लादेश का मैच, तो मैं देख रही हूँ मैच, इसलिए मैं इस व्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड। जल्दी से मिलेंगे हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि गाइज़।